क्या आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल्स के एग्जामिनेशन जो है बहुत जल्दी लगने वाले। इस चीज़ को एग्जामिनेशन को देखते हुए हमारी टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको लगातार हमारे टीम के द्वारा वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन ज़बरदस्त तरीके से जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं जो से 4 से 5 बजे के बीच में हुआ था, 11:06 को यह पेपर हुआ था। तो यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश में। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं और समय सीमा 1 घंटा दी जाती है। तो सबसे पहले हम जीके का क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे, फिर मैथ और रीजनिंग के क्लासेस को। तो चलिए बिना देरी किए हुए ले चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के पास प्रस्तुत यहाँ पर करने वाले। वीडियो के साथ जो है दोस्तों बने रहिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी यूनिक यूनिक क्वेश्चन है जो कि आप सभी को हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसका पहला पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर वहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख ले। अब आगे का पार्ट की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट जो है यहाँ पर कहाँ तक। तो 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक कम्प्लीटेड था, हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर जाते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। लिखे गए वर्ष 2018 तक की स्थिति के सुधार स्थिति के अनुसार डेविस कप के इतिहास में सर्वाधिक सफल डबल्स खिलाड़ी कौन बना। पहला लिखे गए हैं मार्क वुडफोर्ड को, लिएंडर पेस को, या हेनरी लेकोंटे को, या लियोन स्मिथ को। इसका सही आंसर होगा लिएंडर पेस, यानी कि ऑप्शन टू। जो कैंडिडेट ऑप्शन टू को क्लिक किया उनका जवाब सही रहा। दोस्तों यह VBI क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, आपको काम आएगा एग्जाम में। लिखे गए सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है, हीलियम से, कार्बन से, ऑक्सीजन से, या हाइड्रोजन से। यह जो बना है दोस्तों हाइड्रोजन से। किससे बना, हाइड्रोजन से, ऑप्शन 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन था। पहले लिखेंगे कालीबंगा, दूसरा लिखेंगे धोलावीरा, तीसरा लिखेंगे लोथल, चौथा लिखेंगे राखी गड्डी। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। जो लोथल को क्लिक किया उनका जवाब सही रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, आइए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लिखे गए हैं 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान यानी कि ICAP किस दिन जारी किया था। 8 मार्च को, 15 फरवरी, 26 जनवरी या 27 फरवरी। ये जो जारी किया गया था दोस्तों कब किया गया था, 8 मार्च। 8 मार्च को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है, नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह चीज़ ज़रूर आप नीचे कमेंट लिखकर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। 1960 में, 1961 में, 1954 में, 1951 में। तो ये किया गया था 1951 में, यानी कि ऑप्शन 4। आइए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट ने गंगे कोडचोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। राजा राज चोल प्रथम ने, या विजयालय चोल ने, या राजेंद्र चोल प्रथम ने, या राजा धीराज चोल ने। यह जो किए गए थे दोस्तों राजेंद्र चोल प्रथम, यानी ऑप्शन 3। जो कैंडिडेट 3 को क्लिक किया उनका जवाब सही रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। 1502 में, 1514 में, 1510 में, या 1524 में। यह जो की गई थी 1510 में। कब की गई थी दोस्तों, 1510। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखे गए रतंधु विटामिन डॉट डॉट की कमी के कारण होती है। B12, C, K या A। यह जो होती है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन ए सभी को खाना चाहिए, जैसे गाजर हुआ, इस सब में सभी में जो है विटामिन, पालक में हुआ, इस सब में जो है विटामिन ए पाया जाता है। तो ये सब सारे सब्जी आप ज़रूर खाएँ, आपको रतंधी की बीमारी का शिकायत कभी नहीं आएंगे।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में युग्मतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? मेरी कुरिए का, या हबर्ट स्पेंसर का, या चार्ल्स बेबेज का, या लुइस पाश्चर का? ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि ऑप्शन टू, जो कि ऑप्शन टू को क्लिक किए उनका जवाब सही रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डोडट वंश का शासन था, नागवंशी का, हैहया का, अहोम का, या मानिकी का? तो इसका सही आंसर होगा मानिकी, यानी ऑप्शन चार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला जो लिखेंगे, फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, या म्यांमार के साथ? ये जो जोड़ती है दोस्तों नेपाल के साथ, यानी ऑप्शन तीन। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट जो है 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, नीचे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। और एसएससी रेलवे बैंकिंग की पल पल खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज का वीडियो का सेक्शन यहीं तक रहा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ।